ये कहानी है दो डॉक्टर्स की जो डिसाइड करते हैं एक ऐसे रिसर्च को परफॉर्म करने का जब वो घोस्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक डॉक्टर खुद को मार लेता है ताकि उसकी स्पिरिट आकर दूसरे को इस सब के बारे में बता सके, एंड फिर जिंदा वाला बंदा पूरी दुनिया तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। तो क्या इन सभी चीज़ों में वो कामयाब होंगे? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक माइंड ब्लोइंग फिल्म जिसका नाम है घोस्ट लैब। फिल्म की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम था ग्लैन और वी। वो दोनों डॉक्टर्स थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो उन्हें एक पेशेंट के बारे में बता रही थी जिसने कुछ दिनों पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वह अब मर चुका है। तभी ग्लैन कहता है, अगर उसके बारे में कुछ और पता चले तो प्लीज़ बता देना। और उसकी बातें सुन वहाँ पर एक नर्स हंसने लगती है और उसे देख वी वहाँ से तुरंत चला जाता है। शाम को वो अपनी मॉम से मिलता है जो कोमा में थी। पास ग्लैन उसे देख रहा था कि तभी ग्लैन की गर्लफ्रेंड मे वहाँ आती है और वहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पिछले 7 या 8 सालों से वी की मॉम ऐसे ही हालत में है और इसी कारण से वी ने खुद को डॉक्टर बनाया और उसकी सारी कमाई उसकी मॉम के इलाज में लगा दी। और ये हॉस्पिटल ही अब उसका एक तरीके से घर बन चुका है क्योंकि उसकी मॉम यहीं पर रहती है। फिर मे उसे खाने के लिए पूछती है लेकिन वो मना कर देता है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर अगले सीन में हम एक हॉस्पिटल के वर्कर को देखते हैं जो कुछ सामान निकालने के लिए गया था। तभी अचानक उसके पीछे का गेट अपने आप खुल जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो घूम कर देखता है कि एक परछाई है जिससे हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही थी। वो ये देख घबरा जाता है, पर जब पास जाकर वो देखता है तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है और वो सीन वहीं कट हो जाता है। फिर अब हम ग्लैन और वी को देख पाते हैं। यहाँ पर ग्लैन वी से पूछा था, तुम्हें क्या लगता है ये अंधेरे पे कोई भूत होगा? वी कहता है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है और उन्हें आज तक घोस्ट नहीं मिले, यानी कि भूत नहीं होते। तो बिगली को दूसरी तरफ कुछ दिखता है जिसे वह हैरानी से देख रहा था, लेकिन तभी वी घूमता है और वो दोनों उस घोस्ट को देख पाते हैं। दोनों की हालत ख़राब हो गई थी एंड वी की हद से ज़्यादा। वो फ़ोन निकाल कर कैमरे पर दिखता है कि कैमरा उस भूत को नहीं देख पा रहा और ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ था। एंड अचानक वो भूत भी वहाँ से गायब हो चुका था। एंड वहाँ पर ग्लैन वी से कह रहा था, देखा मैंने डिस्कवर कर ही लिया उस भूत को। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के CCTV पे चेक करते हैं जहाँ पर भूत नहीं दिख रहा था। एंड वह अगली सुबह जब ग्लैन वी से बात कर रहा था तो वी कहता है, कल ज़रूर हम दोनों हेलुसिनेट करे होंगे। इस पर ग्लैन कहता है, चलो मेरे साथ कुछ और बताता हूँ। और फिर वो दोनों अपने हॉस्पिटल के पुराने एम्प्लॉय हाउसिंग बिल्डिंग पर जाते हैं जहाँ ग्लैन बता रहा था कि वो यहाँ पे काफ़ी समय से कुछ रिसर्च कर रहा है। जैसे वो भूतों पे रिसर्च कर रहा था एंड वहाँ पर वो दिखाता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वीडियोस एंड फोटोज पड़ी है लेकिन किसी पे भी भूत दिखाई नहीं, बस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं। वो बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके फादर गुजर गए और फिर अचानक एक दिन उसे उसके फादर का घोष दिखाई देता है। उसने उन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए देखा था लेकिन वो पूरा श्योर है कि वो उसके फादर ही थे। एंड उस दिन के बाद से ग्लैन का मकसद बन गया था घोस्ट के बारे में पता लगाना। वो पिछले 20 सालों से रिसर्च कर रहा है और कल जाकर उसे एक दूसरा कोई भूत दिखाए। दरअसल वो ये प्रूफ करना चाहता है कि भूत असलियत में होते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। ये सुन वी कह रहा था, आज से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिस पर ग्लैन उसे दिखा रहा था कि पिछले 5 सालों में वो बहुत से ऐसे लोगों से मिलने गया था जिन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने भूत को दिखा है। उनकी इंटरव्यू भी उसने ली थी और तो और वो मुर्दों के बीच रिचुअल करने भी किया था, लेकिन इन सभी चीज़ों का आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो आसपास के देश के फेमस हॉन्टेड प्लेसेस पे भी गया था लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। एंड फिर वो कहता है कि कैमरा भूतों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोगों को सच में भूत सामने से देखना होगा। लेकिन ये करने के लिए हमें एक बात का पता होना चाहिए कि आखिर वो जिस भी जगह और समय पर दिखते हैं आखिर उसी वक्त और समय पर वो क्यों दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है। अब ऐसे ही एक हफ्ते का वक्त बीत चुका था एंड वो हॉस्पिटल के उसी जगह पर था जहाँ उन्हें वो घोष दिख जाता है। एक हफ्ते से वो उसे दोबारा देखने की कोशिश कर रहे थे एंड वी उससे कहता है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। एंड तभी उनके सामने रख रहा है पर अपने आप आगे बढ़ने लगता है जिसमें ग्लैन को अचानक कुछ याद आता है और वो वी के साथ जाकर रिकॉर्डिंग ऑन करता है। असल में वो हर एक क्लू के बारे में रिकॉर्ड कर रहा था एंड फिर वो एक कंक्लूजन निकालता है कि हो सकता है कि हम भूतों को देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे आसपास ज़रूर होते हैं। उनका प्रूफ हम इस बात से लगा सकते हैं कि चीज़ें अपने आप मूव करने लगे। एंड फिर ऐसे ही वो दोनों दोबारा से अपनी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं। एंड हॉस्पिटल के क्रू में वो छानबीन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक व्हीलचेयर दिखता है। ग्लैन ये कह रहा था, ये यहाँ पे कैसे आ गया? एंड तभी उनकी नज़र हटती है और व्हीलचेयर उनके सामने आ जाता है।
फिर उसके पीछे पीछे और व्हील चेयर आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ रखे शेल्फ से फाइल्स नीचे गिर जाती है और वो शेल्फ भी हिल रहा था। ये देख वो उस बातों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो उन्हें और छानबीन करनी पड़ती है। फिर अगले सीन में वो ऑपरेशन थिएटर पे था, लेकिन वहाँ वो ऑपरेशन पे ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और इसी कारण से सीनियर उसे बहुत डांटते हैं। वही फिर ग्लैन मे को एयरपोर्ट छोड़ने गया था क्योंकि उसे काम से बाहर जाना था, और उसके जाते हुए उसे मैसेज करता है कि उसे एक आइडिया आया है। ग्लैन उसे तुरंत मिलने जाता है। जब वी उसे बता रहा था तुमने आज तक दो घोस्ट को देखा है, एक तुम्हारे डैड और एक वो अनजान बंदा, तो हम इसे दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक नोन घोस्ट और दूसरा अननोन। अननोन का दिखना एक लक माना जा सकता है, लेकिन नोन का दिखना हम शायद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे फादर शायद तुम्हें देखना चाहते हो इसलिए तुम उन्हें देख पाए थे। और अगर ये थ्योरी काम कर गई तो हम एक कैटेगरी के घोष्ट को देख सकते हैं, नोन वालों को। एंड तभी अगले सीन में ग्लैन एक कैंसर पेशेंट से बात कर रहा था और उसे दोस्ती करने की वो कोशिश करता है। उसका प्लान था कि वो पेशेंट अपने फाइनल स्टेज पे है तो अब उसकी लाइफ कभी भी ख़त्म होने वाली है। एंड क्योंकि वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो अगर ग्लैन उसका चाहने वाला बन गया तो शायद मरने के बाद भी वो उससे मिलने आ जाए। ये सुन वी कहता है हम कुछ ज़्यादा सोचे हैं, हमें इतना आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। जिस पर ग्लैन कह रहा था ये एक विन विन सिचुएशन है, उस लड़की को अपने आखिरी वक्त में प्यार मिल जा रहा है और हमें एक पार्टिसिपेंट। पर तभी वी को एक कॉल आता है कि उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक हो गई है। शाम को वो अपनी माँ के पास बैठ उनसे बातें करा होता है कि अब वो क्या करें, वह अब उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। एंड फिर अगली सीन में वो ग्लैन से बात करता है कि आफ्टर लाइफ सच में होती है। ग्लैन कहता है मैं इस बारे में मानता हूँ शायद वो सच है। और फिर वी अपनी माँ को एक आखिरी अलविदा कहता है एंड वहाँ उसकी माँ की डेथ हो जाती है। उनके जाने के बाद ग्लैन वहाँ पर एक कैमरा लगा देता है और वो वी के साथ ही रुक गया था। एंड आधी रात वो अचानक से वी की नींद खुलती है और वो देख पाता है कि सामने उसकी मॉम खड़ी है। उसकी मॉम रो रही थी एंड वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सुन नहीं पाता। एंड अचानक वो गायब हो जाती है। एंड ये सब कुछ ग्लैन भी वहाँ देख पा रहा था। अगले दिन वी सोचने लगता है कि क्या उसने गलत किया अपनी मॉम की जान लेकर। एंड उस दिन के बाद से उसकी मॉम की गोश्त उसे दोबारा कभी नज़र नहीं आती और इन सबसे वी काफ़ी उदास हो गया था। अब वो ग्लैन से जाकर कहता है मैं भी मरना चाहता हूँ ताकि मैं आफ्टर लाइफ में जा सकूँ, फिर मैं तुमसे मिलने भी ज़रूर आऊँगा और इस तरीके से हम अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सकेंगे। ग्लैन कहता है ये पागलपन है, लेकिन वी गुस्से में कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात मेरी मॉम की गोश्त क्या कहना चाहती थी। एंड ये सब सुन ग्लैन एक गिल्ट में आ जाता है कि उसके कारण ये सब कुछ क्या हो रहा है। एंड यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को उस कैंसर पेशेंट पे इसलिए ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि वो भी ग्लैन के डैड और वी की माँ की तरह आकर दोबारा चली जाएगी कुछ ही पल में। लेकिन अगर वी मरा जिसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है तो शायद वो एक से ज़्यादा बार आ सके और एक्सपेरिमेंट में वो हेल्प भी कर सके। लेकिन वह उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि ग्लैन चाहता था कि ये सब कुछ उसका आइडिया है तो वह खुद मरेगा और वह उन दोनों में एक टॉस होता है एंड वहाँ टॉस में हेड्स आता है यानी कि वी मरेगा। और फिर वो कह रहा था मैं सुसाइड नोट लिख दूंगा कि मैं डिप्रेस था अपनी माँ के जाने के बाद और तुम कहते ना कि तुम्हें मेरी बॉडी मिली बाकी के वर्कर से। और फिर वो दोनों अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के डिटेल्स उस रूम से हटा रहे थे। एंड फिर अगले सीन में वी कैमरा पर बातें रिकॉर्ड करता है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। वी खुद को शूट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाता। एंड तभी उसके सामने उसकी माँ की गोश्त की बातें आती है। वो उस दिन की बात कह रही थी कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो और ये जान वो खुद को शूट नहीं कर पाता। एंड तभी ग्लैन अंदर आ जाता है और वी उसे कह रहा था मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो। जिस पर ग्लैन कहता है कोई बात नहीं और तभी वो खुद को शूट कर लेता है। एंड फिर हम देख पाते हैं कि उन दोनों का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा और आज उनका दुनिया में बहुत नाम हो चुका है। ग्लैन का होस्ट वी के साथ ही रहता है, उनकी दोस्ती अब भी वैसे ही है। एंड तभी एक दिन उनसे एक रिपोर्टर पूछती है आपने सक्सेस तो हासिल कर ली लेकिन क्या इसके लिए आपके दोस्त को मारने में आपको बुरा नहीं लगा। एंड तभी वहाँ पे मैं आती है और वो कह रही थी वी तुम कोई रिसर्चर नहीं बल्कि कातिल हो, अपने ही दोस्त को मार दिया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। सब सुन उसकी हालत ख़राब होने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं वी ये सब कुछ एक सपना दिख रहा था। दरअसल ग्लैन की मौत हुई 91 डेज बीत चुके थे और अब तो वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था। एंड वे गूगल पे ग्लैन की मौत की थ्योरी आने लगी थी आखिर एक अच्छा खासा डॉक्टर सुसाइड क्यों करेगा।
एडलिसिन में वो ग्लैन की मॉम से मिलने गया था एक टेम्पल पे। उसकी मॉम हमेशा ग्लैन के लिए प्रे करने जाती थी। एंड वी वहाँ मे से मिलता है जहाँ पे वो उसे पूछी थी आखिर ग्लैन ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ तो पता होगा। इन सबसे वी परेशान हो गया था और रात को वो शहद के लेज पे खड़ा होकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ कर गिरने से रोक देता है और उसकी जान बचाती है। वी यदि कहता है आखिर तुम आ ही गए, फिर वो अपने उसी रिसर्च वाले कमरे पर जाता है एंड वहाँ पर वो कह रहा था ग्लैन कुछ तो करो ताकि मैं जान सकूँ तुम यहाँ पर ही हो। एंड तभी ग्लैन उसे एक और इशारा देता है अपने प्रेजेंस का। वी ये देखता है तुम इतने समय बाद आए लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के लिए, तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुम्हारी ताकत तब रहती है जब मैं दिक्कत में होता हूँ। एंड फिर वी खुद की उंगली को काटने की कोशिश करता है लेकिन उस मशीन को ग्लैन दूर फेंक देता है और वी ये देख समझ गया था कि उसकी सोच सही थी। एंड तभी ग्लैन लैपटॉप पे हेलो लिखता है और अगले दिन उस रूम पे सोच रहा था तुमसे कांटेक्ट तो हो क्या, बस अब हमें यह पता लगाना है कि तुम दिखोगे कैसे। और फिर वो पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि भूत आखिर होते क्या है। ग्लैन लैपटॉप पे लिखता है नो और इसे वी समझ आता है कि ग्लैन दूसरे भूतों को नहीं देख सकता, तो वो दोबारा पूछता है क्या तुम्हें सामने का शेल्फ दिख रहा है। ग्लैन का जवाब था नो। यदि वी को पता चलता है कि ग्लैन शायद आसपास की चीज़ों को देख सकता है पर दूर की नहीं, एंड ये सभी चीज़ें वो खुद से रिकॉर्ड कर रहा था। एंड वो इस कंक्लूजन पे जाकर पहुंचता है कि इसका मतलब है स्कूल्स की पावर तब इंक्रीज होती है जब उसे किसी तरीके से ट्रिगर किया जाए, उसका कोई मकसद हो तभी वो सामने आएगा। और फिर भी एक और बात बताता है कि जैसे हम हवा को नहीं देख पाते लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्सेस उसे मिल जाती है तो हम तूफान को देख पाते हैं, वैसे ही हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम भूत को भी देख पाएं। ग्लैन लिखता है काफ़ी वियर्ड सोच है। फिर वो दोबारा लिखता है बीच। फिर ये देख सोचने लगता है बीच का मतलब क्या होगा। अब शाम को ग्लैन के घर चला जाता है एंड वहाँ पे उसे एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसपे वो अपनी फैमिली के साथ बीच पे था अपने बचपन में। ये देवी उसकी मॉम से पूछता है जिसपे वो बता रही थी वो बीच तो ग्लैन के होम टाउन पे है। वही फिर भी उसे कह रहा था कि मैंने ग्लैन को अपने सपने में देखा और वो कह रहा था कि वो हमेशा आपके आसपास ही है। एंड वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे फ़ोन पे कुछ लिखा हुआ दिखता है खा कहीं। एंड ये सुन ग्लैन की मॉम वी को डिनर के लिए रुकने की रिक्वेस्ट करती है एंड उसकी मॉम ने खा खाई की डिश बहुत ही अच्छे से बनाई थी। पर फिर वापस लौटते वक्त वी कह रहा था कि खा खाई के बारे में बात कर तुम्हारी मॉम को बहुत शांति मिली है तो इसलिए तुमने एक्सपेरिमेंट में डिले करवाया। वो लिखता है नो मोर, मतलब कि अब और एक्सपेरिमेंट नहीं। एंड फिर 3 दिन बीत जाते हैं, ग्लैन का कोई नामो निशान नहीं होता। वी ये देख सोचता है क्या ग्लैन हमेशा के लिए चला गया या फिर वो आफ्टर लाइफ के लिए गया है। अब वो अपने फिंगर को कट करता है बिल्कुल पहले के जैसे, लेकिन इस बार ग्लैन उसे बचाने नहीं आता। वही फिर मे उसे मिलती है और वो उसे ग्लैन के लैपटॉप के बारे में पूछ रही थी जिसपे वी कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उस रूम पे जाकर दिखता है तो वहाँ पे वो लैपटॉप नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से मे के घर जाता है जिसपे मे कहती है तुमने झूठ क्यों बोला था, अभी सब कुछ ऑफिसर्स को समझाना। लेकिन तभी वी मे से झूठ कहता है कि वो लैपटॉप उसे अपनी कार के डिक्की में मिली थी। एंड ये सुन मे रोने लगती है कि काश उस दिन वो ग्लैन के साथ होती तो शायद ग्लैन जिंदा होता। लेकिन तभी वी नोटिस करता है ग्लैन पासवर्ड डाल लैपटॉप खोल रहा था और सारी फाइल्स वो ओपन कर रहा होता है, पर तभी वी जल्दी से लैपटॉप बंद करता है और वहाँ से निकल लेता है। लिफ्ट में वो गुस्से में कह रहा था तुम ये क्या कर रहे थे, हमने डिसाइड किया था ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, अगर पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। पर तभी वी के फ़ोन पर लिखा था है उसे सच बता दो, इस पर वी कह रहा था एक पल में तुम बदल गए, तुम्हें हमारी रिसर्च की कोई पड़ी भी है या नहीं। लेकिन फ़ोन पे बार बार वही बात लिखी आ रही थी उसे सब कुछ बता दो, पर वी मना कर देता है। एंड ये सुन लिफ्ट की लाइट्स ऑफ हो जाती है और लिफ्ट अपने आप तेज़ी से नीचे करने लगता है, पर फिर वी किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है। एडलिसिन में वो रिसर्च रूम पे मे को बुला लेता है और वो उसे कह रहा था तुम यहाँ रुकना। एंड फिर वो छत पे जाकर थोड़ा वेट करता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था स्पिरिट्स के ताकत को बढ़ाने का फॉर्मूला। एंड ये कुछ इस प्रकार था एनर्जी ऑफ द स्पिरिट्स इक्वल्स टू द डेंजर ऑफ द लव्ड वन और वेंजेंस फॉर द लव्ड वन। अगर देखता है तो मैं वहाँ बेहोश पड़ी थी, दरअसल उसने जानबूझकर मेरे को बेहोशी वाली रिंग दी थी। एंड फिर वो कह रहा था अब मैं मे के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ग्लैन लिखता है स्टॉप, लेकिन वी उसे और गुस्सा दिलाता है जिस पर ग्लैन उसे दूर फेंकता है, पर वी रुक नहीं रहा था अब उसे और बहुत गुस्सा दिलाता है।
एंड तभी एक पल को ग्लैन उसके सामने अपियर हो ही जाता है पर फिर गायब हो जाता है। लेकिन अब ग्लैन पूरे बदले के मूड पे था। वो वी को जोरों से मारने लगता है, इसलिए वी वहाँ से भाग रहा था। एंड ग्लैन उसे मारपीट कर दूसरे चैम्बर में ले जाता है जहाँ पे दूसरी डेड बॉडीज रखी हुई थी। उसी बॉडी पे ग्लैन का गोश्त आ जाता है। जिसे वी कह रहा था, मुझे यही तो चाहिए था, तुम्हारी अपीयरेंस के रास को भी सुलझा लिया है। जब वो कह रहा था, मैं आप समझाऊँ, मैं अपने रिसर्च के कारण एक मॉन्स्टर बन गया था और मैंने तुम्हें भी बना दिया। लेकिन वी, अभी सब कुछ छोड़ दो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए प्लीज़ अब रुक जाओ। पर वी कह रहा था, मैं तुम्हारी मौत को ज़ाया होने नहीं देख सकता। अब हम बहुत करीब आ चुके हैं अपने इस रिसर्च के सक्सेसफुल होने में। पर वहीं फिर ग्लैन का होस्ट वी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। एडलिसिन में वो मे से मिलता है। पर मे कहती है, उस दिन तुम्हारी उसी रूम पे पता नहीं मैं सो गई थी, लेकिन पता है मैंने अपने सपने में ग्लैन को देखा। हम दोनों किसी बीच पे थे, वो बहुत खुश लग रहा था। उसके हाथों पे एक मैगजीन थी जिस पे तुम दोनों की फ़ोटो थी एंड तुमने कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर दिखाया था। यह सुन वी खुश हो जाता है और उसे याद आता है उसने भी देखा था कि ग्लैन उसे कह रहा था कि वो उससे बहुत जलस है क्योंकि वी के पास अब भी मौका है अपनी लाइफ को ठीक करने का। अब कहता है, जाओ हम दोनों के लिए अपनी लाइफ को बेस्ट बनाओ। एंड वहाँ पर वी का दिल पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो अपने गिल्ट से एक तरह से बाहर आ गया था क्योंकि ग्लैन ने उसे इस बात का एहसास दिला दिया कि वो लोग गलत कर रहे थे। एंड वह वो मे को उस लैपटॉप को वापस कर देता है और ग्लैन से कहता है कि वो इस सारी रिसर्च को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, लेकिन इससे उसने जो लाइफ लेसन सीखे हैं उससे वो कभी नहीं भूलेगा। एंड वह सारी रिसर्च फाइल्स को वो डिलीट कर देता है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी थी, इसे दिखाने का तरीका भी बहुत ही अलग था। एंड दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। See you soon!